नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। और अगर हम बात करें इस योजना को लेकर के, तो अभी करेंट में जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि आप सभी का अगर किसी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जिसमें कि अगर आपका नेम करेक्शन या फिर फादर नेम मिसमैच के वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो ये सारे करेक्शन अभी किए जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर। तो जिनका भी जो है पोर्टल पे अगर नाम शो हो रहा है और आपके नाम में कुछ भी गलती दिख रहा है, मिस स्पेल दिख रहा है, या आपके फादर्स नेम में कुछ भी नाम गलत दिख रहा है, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नाम की गड़बड़ी की वजह से, तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी जाकर के छात्र कल्याण विभाग में। और वहां जाकर के आपको जो है वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिससे कि आपके फादर्स का जो नेम है वो अपडेट किया जा सके। तो आपका जो है फॉर्म फिर जो दोबारा से जब फिलअप होगा तो वो सही तरीके से फिल हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जिनका भी डोमेसाइल सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उनको जो है अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट वगैरह ठीक करवा लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड से जो है आपका डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनता है, तो दोनों पे ही जो सेम एड्रेस होना चाहिए और आपके फादर के यहाँ का ही एड्रेस होना चाहिए, फादर का नाम होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और चीज, जिनका भी नया आवेदन होना है वो प्रक्रिया हो सकती है अगले महीने से शुरू हो जाए, सेकेंड या थर्ड वीक से जो स्टार्ट हो जाएगा आपका पोर्टल जो ओपन कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी को अभी तक के अलाउंस नहीं दी गई है नाम ऐड करने के लिए, क्योंकि पोर्टल को अभी नाम ऐड करने के लिए फिलहाल ओपन नहीं किया गया। जैसे ही नाम ऐड करने के लिए ओपन किया जाएगा, 2018-21 सेशन की जो प्रमोटेड छात्राएं थी उनका नाम ऐड किया जाएगा, और जो 2019-22 सेशन की छात्राएं हैं उनका नाम ऐड किया जाएगा जिनका बचा हुआ है। और जो पेमेंट होने वाला है नेक्स्ट फेज में वो होगा नवंबर के एंड से, अब अगला जो पेमेंट स्टार्ट होगा, या फिर मिड नवंबर से भी जो है पेमेंटिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट और सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, उनका पेमेंट अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, हर महीने एक पेमेंट लिस्ट बनाया जाता है, अगर आप लकी होंगे तो आपका नाम उसमें ऐड कर लिया जाएगा। एक और चीज, जो भी छात्राएं जो है बीबीए बीसीए से हैं और वो लोग ये सोच रही हैं कि इस योजना का लाभ उनको मिल जाएगा, तो जी नहीं, आज तक के जो वोकेशनल कोर्स को जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि सभी प्रोफेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स, ट्रेडिशनल कोर्स, इन सभी को जो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि केवल और केवल ट्रेडिशनल कोर्स जैसे कि बीए बीएससी और बीकॉम की जो भी छात्राएं रही उनको ही मिल पाया। उसमें भी जो भी कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे चल रहे थे, लाइक बीकॉम के और बीए के बहुत सारे कोर्सेज, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो है क्लासेज जो चल रहे थे वो सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे चल रहे थे, तो उससे जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई होंगी उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर तीसरी चीज ये भी कि अगर आपका कॉलेज पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उनको एफिलिएशन जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अगर नहीं दिया गया है, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो सिंपल सा अपने कॉलेज का नाम वगैरह चेक कर लेना है, अगर पोर्टल के ऊपर एडेड है तो फिर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टाइटल पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होकर के आएगा, वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, जिसे कि आप जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना नाम चेक कर सकती हैं, फिर अपना कॉलेज लिस्ट जो है चेक कर सकती हैं। पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको कॉलेज उसमें ढूंढना रहेगा। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। इसमें कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि कास्ट, जो स्टूडेंट एसटीएससी के होंगे उनको ही मिलेगा, इसमें जो भी स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से आते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। बस ग्रेजुएशन उनको करना पड़ेगा कंप्लीट, चाहे फर्स्ट डिवीजन चाहे सेकंड डिवीजन। और ये योजना केवल और केवल लड़कियों के लिए ही बिहार में चलाई जाती है, लड़कों के लिए नहीं है। सो बॉयज, सॉरी फॉर यू कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस योजना का नाम ही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो सिर्फ और सिर्फ कन्याओं को आगे पढ़ने के लिए ही जो है सपोर्ट किया जाता है और आगे उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो भी समय से नहीं मिल पाती है, जिससे कि बहुत सारी छात्राओं की शादी जो हो जाती है तो उसके बाद उनको इस योजना का लाभ मिल पाता है, पैसा मिलता है, तब तक ये तो देर हो चुका होता है, वो अब शादी होने के बाद अब ससुराल जाए, वहां पे जो कोर्स उनको करना है वो कोर्स करे, बाकी तो ससुराल वाले के जिम्मे होते हैं ये सारी चीजें। तो ये सारे जो कमेंट्स है बहुत सारे रिसीव हुए थे कि गवर्नमेंट टाइम पे पैसा नहीं देती है, हमारी शादी तय हो गई है, फलाने का ना, अब इससे गवर्नमेंट को पता नहीं कुछ लेना देना है नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है कि मेधासॉफ्ट के जो पोर्टल पे मेल आईडी दिया है वहां पे जाकर के आप लोग जो है मैसेज करिए और कहिए कि पोर्टल को ओपन किया जाए, तभी ये लोग सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक के पोर्टल को लेकर के कोई ना नोटिस जारी नहीं की गई है, तो ये योजना जो है अब मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर के फरवरी तक भी जो है चल जाए, या फिर
एक महीने में ये योजना को पूरा फॉर्म भरवा के समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये योजना बड़ा ही शॉर्ट पीरियड के लिए अभी आ रहा है। जब नया पोर्टल लॉन्च हुआ था तो 6 महीने तक पोर्टल ओपन रहा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहा, लेकिन अब जो है ये योजना बिल्कुल ही सुस्त पड़ चुका है और छात्राएं जो है आस भी छोड़ चुकी है कि पैसा गवर्नमेंट नहीं देने वाली है, फॉर्म अप्लाई करके बस बैठे रहो, ये वाला सिस्टम हो रखा है। तो बस आपको होप तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि होप पे ही पूरी दुनिया चल रही है। तो होप सो कि आपको पैसा मिल जाए, और अगर आपका लक सही रहा तो पैसा जल्दी मिलेगा। और जिनका भी नया रजिस्ट्रेशन होने वाला होगा वो पहले ही स्लॉट में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगी, नहीं तो आप देरी करिएगा तो गवर्नमेंट भी देरी करेगी, वेरिफिकेशन भी देरी से होगा। बहुत सारे छात्र है जो अपना फॉर्म फाइनलाइज नहीं करती है रजिस्ट्रेशन करने का, जब उनको आईडी पासवर्ड जाता है तो इसके वजह से भी उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। बैंक सीडिंग स्टेटस मैंने आपको कई बार बोला है, चेक करके देखिए। बैंक सीडिंग के बारे में मैंने बताया है कि आधार खाता में लिंक होना अलग बात है और आधार से सीडेड होना अलग बात है। यानी आपका जो बैंक खाता है वो यूआईडीआई के वेबसाइट पे डीबीटी के लिए सीडेड होना चाहिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। क्योंकि सरकारी कोई भी योजना का पैसा जो है आपके अकाउंट में तभी जाता है जब आपका बैंक खाता जो है आधार के वेबसाइट से सीडेड हो, ठीक है, तभी आपको मिल पाता है। तो वही बैंक खाता दीजिएगा जो आधार के वेबसाइट से सीडेड हो, वहां पे जो भी बैंक मैपिंग का नाम दिख रहा हो, आपका SBI हो, PNB हो, एक्सिस हो, कोई सा भी बैंक हो, लेकिन आपका जो बैंक का ब्रांच है वो बिहार में ही खुला हुआ होना चाहिए, मतलब बिहार में ही आपका बैंक ब्रांच होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कई बार दिया है, बट स्टिल आपके कमेंट लगातार जो है इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आते रहते हैं, तो बस मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं और आपको अपडेट देते रहने पड़ते हैं। तो जल्दी जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिलहाल अभी पोर्टल ओपन है सिर्फ और सिर्फ करेक्शन के लिए। आपका नाम में कोई करेक्शन करवाना है या फिर फादर्स नेम में कोई करेक्शन करवाना है तो अपनी यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पे छात्र कल्याण विभाग ढूंढिए या फिर वहां पे किसी स्टाफ से पूछिए कि जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट मिलता है उसका जो है कंप्यूटर रूम कहाँ है, जहां पर जाकर के आप अपना नाम अपडेट करा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे इसे अगली वीडियो।